वगैरह लगा रखी है, काफी सारी चेयर लगा रखी है भाई इस तरीके की, और यहाँ पर आप आकर के बैठ सकते हैं। ये जो फवारा है ना भाई, इस पार्क की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। जो फवारे की जो टाइमिंग है वो बता देता हूँ, देखिए सुबह 8 बजे से 11, बिल्कुल अभी हम पास में आ गए हैं। कितना अमेजिंग लग रहा है गाइस, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। और रात में ना भाई जो लाइटिंग है ना, देखिए लाइटिंग वगैरह जो कर रखी है, लाइट्स वगैरह भी चलती है, तो और मतलब खूबसूरत लगेगा रात में। तो यहाँ पे आप आकर के और आपके बच्चे आकर के एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, तो काफी तरह तरह की मशीनें वगैरह लगा रखी। अगर आप यहाँ पर आते हैं ना भाई, तो मतलब बहुत ज्यादा नेचर से कनेक्ट हो पाते हैं। तो बड़ा यहाँ पर मतलब आकर के आपके बच्चे क्लाइंबिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आपको यही रिकमेंड करूंगा भाई, एक बार इस पार्क में जरूर आइए, फुल्ली रिकमेंडेड है भाई। ये देखिएगा इसे, ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप यहाँ पे फोटोज वगैरह भाई लेना चाहो तो काफी सुंदर सुंदर फोटोज आ सकती हैं। तो ये जो पूरा पार्क है ना भाई, 80 एकड़ में फैला हुआ है। सो हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ दिल्ली के नेहरू पार्क में, और आज के इस ब्लॉग में देखेंगे भाई ये पार्क बच्चों के लिए कैसा है, कपल्स के लिए कैसा है, फ्रेंड्स और फैमिली के लिए कैसा है। ब्लॉग काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और पूरा पार्क में घुमाने वाले हैं। यहाँ की टाइमिंग, लोकेशन, यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, नियर बाय मेट्रो क्या पड़ेगा, पार्किंग की फैसिलिटीज वगैरह क्या क्या है, सब कुछ इस ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। और वाकई में यार गाइस, जो पार्क है ना काफी शानदार है और काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है, बहुत सी एक्टिविटीज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग को एंट्री देखिए, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाई हम यहाँ से एंट्री लेंगे, देख सकते हैं ये बोर्ड दिख रहा है ना, नेहरू पार्क। आप अंदर एंट्री लेते हैं, मैं देखिए पार्क के बाहर ही पार्किंग दिख जाती है, लोगों ने अपने व्हीकल वगैरह पार्क कर रखे हैं, तो यहाँ पे आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं, टू व्हीलर और फोर व्हीलर जो भी हो, ये आपको पार्किंग अवेलेबल हो जाएगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले दोस्तों हमें पार्क में एंटर होते ही ये रेड कलर का ट्रैक दिख जाता है, जहाँ पर आ करके आप वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। ये पूरे पार्क में फैला हुआ है भाई, देख रहे हैं वहाँ तक, मतलब पूरे पार्क में फैला हुआ है सब गोल गोल किनारे किनारे, जैसे देख रहे हैं, मतलब आप आ करके आराम से वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं, इस ट्रैक पर आप रनिंग वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी शानदार लगा यार मुझे ये चीज़। दोस्तों जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हीं के नाम पर ये पार्क का नाम रखा गया है, नेहरू पार्क। और बात करें लोकेशन के बारे में, तो ये भाई जो पार्क है वो आता है दिल्ली के चाणक्यपुरी में, और इसका जो गूगल मैप का लोकेशन है वो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। अगर आप बाय मेट्रो आना चाहते हैं तो जो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो पड़ेगा लोक कल्याण मार्ग का, जो कि यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पड़ जाता है, तो वहाँ से आप शेयरिंग ऑटो वगैरह लेकर के आ सकते हैं। और दोस्तों इस पार्क का इन ईयर 1969 में इनॉग्रेशन किया गया था। और बात करें इसकी टाइमिंग के बारे में, तो सुबह के 6 बजे से रात के 8 बजे तक इसकी टाइमिंग रहने वाली है। और दोस्तों पार्क में आने का कोई एंट्री टिकट नहीं है, आपको यहाँ पर फ्री में एंट्री मिलती है। ये देखिएगा इसे, ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप यहाँ पे फोटोज वगैरह भाई लेना चाहो तो काफी सुंदर सुंदर फोटोज आ सकती हैं। भाई जो पूरा ट्रैक बिछा रखा है ना इसका, यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है, जैसे कि ट्रैक पे नुकीले जूतों का प्रयोग ना करें, ट्रैक को नुकसान ना पहुँचाएं, ट्रैक पर पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है, ट्रैक पर साइकिल भी चलाना मना है, ट्रैक पर मतलब खाना पीना भी नहीं कर सकते, सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज करने वाली मशीनें भी मिल जाती है, जहाँ पे आप आकर के और आपके बच्चे आकर के एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, तो काफी तरह तरह की मशीनें वगैरह लगा रखी है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे फवारा शो स्टार्ट हो गया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले गाइस मैं जो फवारे की जो टाइमिंग है वो बता देता हूँ, देखिए सुबह 8 बजे से 11 बजे तक चलता है, और 1 बजे से 3 बजे तक चलता है, उसके बाद 5 बजे से 10 बजे तक ये चलता है। ये देखिए गाइस, बिल्कुल अभी हम पास में आ गए हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं, और कितना अमेजिंग लग रहा है गाइस, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार। और रात में ना भाई जो लाइटिंग है ना, देखिए लाइटिंग वगैरह जो कर रखी है, और लाइट्स वगैरह भी चलती हैं, तो और मतलब खूबसूरत लगेगा रात में। तो दोस्तों जो फवारा है ना भाई, इस पार्क की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है यार, काफी शानदार लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा भाई, एक बार इस पार्क में जरूर आइए, फुल्ली रिकमेंडेड है भाई। ये फवारे के बगल में ही इस टाइप से बना रखा है, आप आकर के यहाँ पे बैठ सकते हैं, जैसे कि वो देख सकते हैं भाई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी टाइम वगैरह वो स्पेंड कर सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा यहाँ पे आकर के। फवारे के सामने ही देख सकते हैं इस तरीके से सीटिंग्स वगैरह लगा रखी है, काफी सारी चेयर लगा रखी है भाई इस तरीके की, और यहाँ पर आप आकर के बैठ सकते हैं आराम से, ये काफी सही चीज लगी यार मुझे, ये देखिए पूरे में वहां तक लगा रखी है।
ठीक है। और अभी सर्दियों का टाइम हो रहा है तो भाई लोग बाग आराम से बैठ करके धूप ले रहे हैं। दोस्तों ये जो पूरा पार्क है ना भाई 80 एकड़ में फैला हुआ है। अगर आप इस पूरे मतलब पार्क का एक राउंड भी मान लेते हैं ना, एक राउंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, और दो राउंड में तो मतलब आप थक ही जाने वाले। ये चीज़ें ही बना रखी है, देख सकते हैं जैसे ये छोटा वाला है और ये बड़ा। यहाँ पर मतलब आ करके आपके बच्चे क्लाइंबिंग वगैरह कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है, बट हाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं यार। ये देखिए जैसा यहाँ भी बना रखा है। दोस्तों ये जो फूलों की प्लांटिंग वगैरह कर रखी है, अभी मतलब इन पे फूल नहीं है, लेकिन भाई मैंने बहुत सी वीडियोस देखी है, भाई इन पे जो फूल आते हैं ना काफ़ी शानदार लगता है। ये सारे में देख सकते हैं, सारा ही फूलों का फ्लावर्स का प्लांटिंग वगैरह कर रखा है, और जब इनमें फूल आएंगे ना काफ़ी शानदार लगने वाला है यार। लिखा हुआ है फूलों को तोड़ना व पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाना वर्जित है। देख सकते हैं यहाँ पे जो प्लांटिंग का काम है वो भी किया जा रहा है। भैया आप पौधे लगा रहे हैं? अच्छा अच्छा, देख सकते हैं जो फूल के पौधे वगैरह और लगाए जा रहे हैं। ये देखिए पार्क में हम घूम ही रहे थे, हमें एक और एंट्री गेट देखने के लिए मिला है। मतलब भाई इस पार्क में ना बहुत से एंट्री गेट है, आप किसी भी एंट्री गेट से यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, और हर एंट्री गेट के सामने ही आपको पार्किंग अवेलेबल हो जाएगी आसानी से। अगर आप यहाँ पर आते हैं ना भाई तो मतलब बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट हो पाते हैं, और यहाँ पे ना मतलब चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ भी आती है यार, जैसे सुन सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में आ रही है अभी। काफ़ी सारे मतलब पंछी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं आपको, चिड़ियाँ वगैरह, तो काफ़ी मतलब आकर के सुकून सा मिलता है। शायद कॉमेडी वीडियो वगैरह भी शूट वगैरह होती रहती है, जैसे वहाँ पर देख सकते हो वो कुछ शूट वूट कर रहे हैं। इस हिसाब से मतलब देख सकते हो पार्क में हर तरह के लोग देखने के लिए मिलेंगे, कुछ कपल भी देखने के लिए मिल रहे हैं, फैमिली वगैरह भी आई हुई है। पार्क में आपको वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये लोकेशन कितनी शानदार लग रही है, और मतलब ऐसे बहुत सी लोकेशन मिल जाएगी जहाँ पे आप आ करके फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। ट्री है जो पेड़ है उसकी कटिंग कितनी शानदार कर रखी है भाई, अगर आप यहाँ पे आ करके फोटोज़ वगैरह लेते हैं तो भाई एकदम कमाल की फ़ोटो आने वाली है। यहाँ पे देखिएगा इस ये ब्रिज टाइप का बना रखा है, ये देख रहे हैं, ये आ गया बिल्कुल टॉप पे मैं। भाई ये सही है यार। हाँ, और भाई मतलब यहाँ पार्क में ना चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली देखने के मिलेंगी, सारा ग्रीनरी से पेड़ पौधों से पूरा पार्क भरा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह है गार्डन आपका है, इसे साफ सुथरा रखें, कूड़ेदान का प्रयोग करें। और भाई जगह जगह पर ना हमें डस्टबिन देखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे ये। ये देखिए जैसे वहाँ पर डस्टबिन रख रखा है, ठीक है, और ऐसा आगे वहाँ पर भी रख रखा है, मतलब हर एक थोड़े सी डिस्टेंस पे हमें डस्टबिन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि भाई शाम का टाइम हो रहा है तो लोग बाग यहाँ पर आकर के योगा भी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया लोग वॉकिंग वगैरह करने के लिए भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। और सर्दियों का टाइम है गाइस, तो जो अंधेरा है वो जल्दी हो जाता है, इस वजह से देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा है। और मतलब हर जगह आपको सीटिंग वगैरह मिल जाएगी, चेयर्स वगैरह मिल जाएंगे, इस तरीके के चौतरे टाइप के बना रखे हैं, आप आकर के बैठ करके योगा वगैरह भी कर सकते हैं। काफ़ी शानदार पार्क जो है बनाया हुआ है। गाइस मुझे काफ़ी टाइम हो गया मतलब घूमते हुए, मतलब यहाँ पे यार पार्क में ना मुझे देखिए फैमिली वाले भी दिख रहे हैं, कपल्स भी दिख रहे हैं, और जो ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने फ्रेंड्स में आए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, फैमिली के लिए भी ठीक है और कपल्स के लिए भी ठीक है। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी प्यारी जगह है, ये है बहुत सारे फ्लावर्स की प्लांटिंग की हुई है, मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, रनिंग वगैरह कर सकते हैं। ऐसे ही आप भी आ सकते हैं, जो यहाँ पर आसपास में लोग रहते हैं ना वो इसी पार्क में ही रनिंग वगैरह करने के लिए, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए आते हैं। इससे तो गाइस अगल बगल कितनी शांति है पार्क में, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है भाई गार्डन के शांत वातावरण में अशांति ना फैलाएं, मतलब यहाँ पर आकर के शोर शराबा ना करें। जैसे भाई शाम का टाइम हो रहा है, ऐसे ऐसे लोग बाग आ रहे हैं, मतलब वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी दिखाया काफ़ी सारे लोग। अब तो बस गाइस आज के इस ब्लॉग में इतना ही, कमेंट करके बताइएगा नेहरू पार्क आपको कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली घूम करके, मैं तो आपको फुल रिकमेंड करता हूँ, आप यहाँ पे आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही हमारे चैनल पे दिल्ली NCR के ब्लॉग्स वगैरह आते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट हो, वैसे तो मैंने सारी डिटेल दे ही दी है, कुछ भी डाउट नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अगर इंस्टाग्राम पे आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।